सबसे पहले 7.5 ml कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे, उसको बीकर में ऐड करेंगे। बाद में 7.5 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, उसको भी बीकर में ऐड करके 15 ml 50% नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको RBF में ऐड करेंगे। RBF में ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें 2-3 पोर्सिलिन पीस ऐड करके वाटर बाथ में गर्म करेंगे और RBF में थर्मोमीटर रख के टेम्परेचर 60-70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे। बाद में उसमें प्रीवियसली वेट 5 ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल ड्रॉप वाइज कंटिन्यूस शेकिंग करते हुए ऐड करेंगे। साइक्लोहेक्सेनॉल ऐड करते वक्त अगर ब्राउन कलर की नाइट्रस ऑक्साइड की फ्यूम निकलती है तो उसको रिमूव हो जाने के बाद दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉल का ड्रॉप ऐड करेंगे। इस तरह 15 मिनट्स तक कंटिन्यूस शेकिंग करते हुए 5 ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल को ऐड करेंगे। साइक्लोहेक्सेनॉल को कम्प्लीटली ऐड करने के बाद करीबन 5-10 मिनट्स गर्म करेंगे। बाद में RBF को एक आइस बाथ में कूल करेंगे, तब एडिपिक एसिड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे और बाद में उसको कोल्ड वाटर के वॉश देंगे। बाद में ड्राई करके उसका वेट करेंगे और परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे।